दोस्तों हर कोई महिला यही चाहती है कि उनके बाल लंबे, घने, मजबूत व मुलायम बने रहें, ताकि वो और भी ज्यादा आकर्षित रहें। दोस्तों दो मुहे बालों की वजह से हमारे बाल पतले रह जाते हैं, वो घने नहीं हो पाते। साथ ही साथ हमारे बाल जो हैं बहुत ही ज्यादा झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, क्योंकि आजकल के दूषित प्रदूषण की वजह से हमारे बालों पर गलत असर पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपने बालों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो जब भी हम नहाते तो हमारे बाल कुछ टूटते भी हैं, गिरते भी हैं, और जब हम कंघा करते हैं तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से सर में गंजापन भी आने लग जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से मैं एक ही कैप्सूल लूंगा, जिसकी मदद से आप अपने बालों को जो है दुगनी तेजी से लंबा कर सकते हो, यानी कि 3 से 4 इंच तक लंबा कर सकते हो। बस जितने दिन आपको बताया जाएगा आपको उतने दिन इसको उपयोग करना है। और दोस्तों इसके साथ जो है हम इस्तेमाल करेंगे अदरक, क्योंकि दोस्तों अदरक जो है एक वरदान की तरह काम करती है। अगर आप चाहें तो आप इसको गूगल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों अदरक जो होता है इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो कि आपके बालों को मोटा बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, घना बनाते हैं, वह उनके अंदर एक चमक पैदा करते हैं, ताकि वो दुगनी तेजी से लंबे हो सके। दोस्तों आपको लेना होगा एक ऐसा जार, उसके बाद जो है आपको एक एलोवेरा का पीस लेना है, और उस पीस को आपको जो है कुछ इस प्रकार से कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इसके अंदर से जो है इस एलोवेरा को इस प्रकार से निकालेंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस तरह से निकाल लेना है। और उसके बाद जो है हमें इसको जार में डाल देना है। उसके बाद जो है हमें अदरक के छोटे से पीस कर लेने हैं, इस तरह से हमें छोटे छोटे पीस कर लेने हैं अदरक के, और इन तीनों को हमें इसके अंदर डाल करके जो है पीस देना है अच्छे तरीके से। दोस्तों अब ये पीस गया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अब इस जार में से जो है हमें इस पेस्ट को बाहर निकाल लेना है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें लेनी होगी दोस्तों एक खाली कटोरी, और इस पेस्ट को जो है हमें इस तरह से अच्छे प्रकार से निकाल लेना है। तो दोस्तों अब जो है इसको अच्छे तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमें करना क्या होगा कि हमें लेना होगा विटामिन ई का एक कैप्सूल। इन दोनों में से कौन सा कैप्सूल लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको करना क्या है कि आपको लेना है एक लेमन, यानी कि नींबू, और नींबू को आधा कट करके आपको इस प्रकार से ले लेना है। दोस्तों इसके अंदर जो है सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, यानी कि विटामिन सी इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके बालों की रूसी को मिटाता है। अगर आप इसको कम क्वांटिटी में, यानी कि कम मात्रा में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, तो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो इसलिए आपको जो है इसके केवल इसके 15 से 20 बूंद ही इसके इस्तेमाल करने हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको जब आप दबाओगे तो आपको 15 से 20 बूंद ही इसको इस्तेमाल करने हैं। आधा रस इसमें अभी भी बाकी है, तो आपको जो है मात्रा ध्यान में रखनी है। इसीलिए आपको इस नुस्खे को ध्यान से देखना है, ताकि आप सही प्रकार से इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकें। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इनमें से एक कैप्सूल लेना है, और वो है दोस्तों इवियन का 600 mg का कैप्सूल। दोस्तों ये वाला जो कैप्सूल है ये 400 mg का, ये जो कैप्सूल है दोस्तों ये 600 mg का, यानी कि ये इससे दुगना पावरफुल है, दुगना शक्तिशाली है। और जिन लोगों के बाल बहुत ही तेजी में झड़ रहे हैं, बहुत ही तेजी में गिर रहे हैं, और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए तो ये एकदम रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। आपका बस करना इतना सा है कि आपको इसको जो है इस तरीके से पंचर कर लेना है, और पंचर करने के बाद इसको जब दबाओगे तो इसमें से जो भी तेल निकलेगा, ऑयल निकलेगा, वो आपको सारा का सारा ले लेना है। तो ये एक ही कैप्सूल बहुत ही ज्यादा काफी रहेगा। आप इस कैप्सूल का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के लिए, क्योंकि ये आपके दो मुहे बालों से भी राहत दिलाता है, आपके गिरते झड़ते बालों को भी बचाता है, साथ ही साथ ये आपके बालों को तेजी से लंबा होने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है, और ये आपके बालों को 3 से 4 इंच लंबा करने में ये ही सबसे ज्यादा मदद करेगा। अब दोस्तों हमें जो है इस पेस्ट को अच्छे तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे तरह से काट लेना है, एक बीच की मांग निकाल लेनी है। उसके बाद जो है आपको इसको अपने बालों की जोड़ों के ऊपर ऊपर इसको अच्छे तरह से लगा लेना है। उसके बाद जो है आपको 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि आपके बालों में थोड़ी सी नमी आने लगे। जब 15 मिनट बाद आपको अपने बालों में नमी महसूस हो जाएगी, तो उसके बाद जो है आपको वो वाला शैम्पू इस्तेमाल करना है जो आप हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो आप उस शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिएगा, साथ ही साथ आपके बाल लंबे, घने व मजबूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बाल 3 से 4 इंच भी लंबे हो जाएंगे। दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए आज का नुस्खा, जो कि बेहद खास था, और ये महिला और पुरुष के लिए दोनों के लिए था। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
व्हाट्सएप फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की फ्री में मदद हो सके। अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबाएं यानी कि घंटी को दबाएं ताकि आने वाले सारे नुस्खे आप लोग सबसे पहले देख पाएं। धन्यवाद दोस्तों।